जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों कुछ दिनों पहले हमारे जो कबूतरों ने अंडे वगैरह दिए हुए थे ना, तो फाइनली आज उन अंडों की हमने कैंडलिंग करनी है। तो अंडों में से देखना बच्चे बने भी हैं कि नहीं बने। फिलहाल जल्दी से वो काम स्टार्ट करते हैं, तो फिजान से भी पूछता हूँ, फिजान अंडों की आज कैंडलिंग कर लें। हाँ जल्दी से जल्दी से करते हैं, टाइम नहीं यार। तो जल्दी से जल्दी अंडों की कैंडलिंग वगैरह करते हैं। तो दोस्तों दुआ करें कि अभी दुआ ही कर सकते हैं कि दुआ करें कि उन अंडों में बच्चे बने होंगे नहीं बने होंगे कि नहीं बने होंगे बता। कितने दिन हुए अंडे? तीन चार चार बच्चे कहाँ से बन गए? तीन दिन बच्चे बन जाते? तीन दिन तो नहीं हुए, पता नहीं तीन चार दिन गुजरे हैं। तो हल्की सी पता थोड़ा सा ना बस पता चल जाए। दुआ करें अंडे ठीक हों। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा हुआ है इन अंडों में ना बच्चे बने तो भाई हमारी मेहनत ज़ाया होंगी। तो काफ़ी बार हमने कबूतर लिए हैं जो अंडे देते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं। तो चलते हैं भाई साहब। तो अंदर डक भी बंद है, डक को अभी मैंने ओए इसे भी कुछ दाना वगैरह डालते हैं इसे। दोस्तों अपना जल्दी से काम वगैरह शुरू करते हैं, ये लाइट ऑन कर देना। तो अभी लाइट भी हमने जला ली है। तो माशाल्लाह से फीमेल अंडों पर बैठी हुई है। तो अंडों की कैंडलिंग किस तरह से करनी है तो वो एक और चीज़ चाहिए होगी, एक और मोबाइल चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगी। तो जल्दी से मैं आपके सामने अंडों की कैंडलिंग करता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू करते हैं। तो अंडे सेफ भी हैं कि नहीं, अंडे आपको मैं दिखाता हूँ। इसके नीचे पड़े हैं, ठीक भी हैं कि नहीं ठीक? तो कहाँ गए अंडे, कहाँ गए अंडे? तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, अंडे तो सही पड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं अपना काम जल्दी से शुरू करता हूँ। तो लाइट बंद कर दे, अंधेरे में करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा। सर ये अंडा बिल्कुल खाली है, टूटा हुआ यार, ये अंडा टूटा हुआ तो यार क्या हुआ? ये नया मसला है, ऐसा कर इसको संभाल के रख ले इसको। ये अंडा टूटा भी हुआ है, दूसरा अंडा चेक करते हैं यार। ये शुक्र है ठीक है, ये तो ठीक है, ये भी टूटा हुआ है, अंडा बिल्कुल खाली है। क्या करें, दो तो जाया बस, दोनों अंडे जाया हो गए। दोस्तों मुझे काफ़ी दुख हो रहा है यार, हमने इतनी दिन इंतज़ार किया है लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। तो अब दिखाया थोड़ा सा सामने रिजल्ट आपके दोस्तों सामने है। तो इतने दिन हमने इंतज़ार किया, ये देखिए अंडे टूटे हुए हैं बिल्कुल, आपको अच्छे से नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रही है देखें। तो आपको अभी अंडे तोड़ के भी चेक करवा देता हूँ, अंडे जो है ना मैं अभी आपको तोड़ के चेक करवाता हूँ। इन अंडों में बच्चे वगैरह नहीं बने होंगे, काफ़ी यार दुख हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ पता नहीं क्या था उसका यार, ये नसीबों की बात होती है ना। अब मैं अंडे तोड़ता हूँ जल्दी से। दोस्तों मैंने अभी आपको अंडे तोड़ के चेक करवाए हैं, तो अच्छे से मैंने आपको फिर भी दिखा देता हूँ। अंडों में बिल्कुल ही जो है ना बच्चे वगैरह नहीं बने हुए, चेक कर लें आप, बिल्कुल ही अंडे ख़राब हैं। अगर बच्चे बने होते ना तो अंदर वेन जो होते ना नारे वगैरह खून वाली, तो खून वगैरह अंदर होना था अगर अंदर बच्चे वगैरह बने होते, लेकिन वेन नहीं है, कोई भी चीज़ नज़र नहीं है, सादा अंडा है। इस अंडे को हम पता क्या करेंगे अब फिलहाल, इस अंडे को ना अभी इसके अंदर हम बाजरा मिक्स करके सुखा के तो हम अपने मुर्गों को डाल देंगे। अगर अभी खाना हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो सुबह को डाल देंगे। फिलहाल अभी मैंने सभी मुर्गों को और जो है ना सभी को भिगोई रोटी डाली है, और उस चीज़ को जल्दी से डालते हैं और डक के लिए भी।
डक भी बेचारी भूखी बैठी हुई है अंदर, जल्दी से उसे भी ना रोटी भिगोई हुई डालते हैं। चीक्स को नहीं डाली, काफ़ी ज़्यादा शोर डाल रहे हैं ये देखें, है ना। मैंने इन सबको भिगोई हुई रोटी डाली है, चेक करें भाई साहब किस तरह किसी कितनी ज़रा स्पीड से खा रहे हैं वो भाई, एक बाई नहीं कराया है। खा लो खा लो खा लो, कैसी दौड़ लगी हुई है इन सबकी। ये छोटे वाला देखें, ये छोटे वाला, ये दो छोटे वाले हैं, कैसी दौड़ लगी हुई है इन सबकी। फिजान ये देख यार क्या काम कर रहे हैं, है ना, कैसी दौड़ लग गई है इनकी। अभी रोटी जो डाली है ना डक के लिए भी ने जो है ना भिगोई रोटी रख देते हैं अभी, ये आपके सामने भाई साहब खाएगी। अरे खा लो खा लो खा लो भाई साहब, खा लो, खा क्यों नहीं रही, इतनी भूख लगी हुई थी, शोर भी डाला हुआ है इसने। चलो कोई बात नहीं, चलो इसने खा लिया, फिलहाल हमारा जो काम है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब इंशाल्लाह से कल जो है ना हमारे कबूतरों की जगह वगैरह बनाते हैं, कल इनका बंदोबस्त करते हैं। वो सामने वैसे ही मैंने आधे तौर के लिए दो तीन दिनों के लिए ना ऐसे छोड़ा हुआ है, वो सामने एक बैठा हुआ दो वो हैं, उनके अंडे तो उठा लिए, अंडे तो बेचारे के तोड़ दिए, अब तो डक ने भी खाना शुरू कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते, तो मैंने आपको एक बात कहनी थी, इंशाल्लाह से कल जो है ना अपना काम जो है कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से मैं आपको कह रहा हूँ कबूतरों की सेटिंग वगैरह एक अच्छा सा केज वगैरह बनाना है, वो उनकी ना सेटिंग करनी है, अच्छे से जगह बनानी है, तो इंशाल्लाह से उनका अच्छा सा केज वगैरह सेट वगैरह करते हैं। तो दोस्तों आपके पास प्यार की और सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ हो गई हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना दिक्कत पेश आती है इनको संभालने में, ये आपस में लड़ पड़ती हैं, एक को बंद करके रखना पड़ता है, इससे क्या हो गया है, मरीज लग रहा है। तो फिलहाल छोड़ दे छोड़ दे, आराम से छोड़ी नहीं, गिर भी सकता है यार। तो दोस्तों हल्का फुल्का भी आपको जो है ना इनकी हाथ में पकड़ के आपको दिखाई ना चूहे, तो स्ट्राइक का मसला होता है काफ़ी ज़्यादा, तो YouTube वाले जो है ना काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। मैंने आपको मुझे कभी कभी अभी हाथ में पकड़ नहीं दिखाता, तो काफ़ी ज़्यादा ना वायलेशन का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, तो काफ़ी एहतियात धक्के खा खा के अभी मैं आके सीखाऊँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। इंशाल्लाह से आपने बस अपना प्यार वगैरह दिखाना, और ये बातें काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएंगी इस वजह से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आपने अपना प्यार वगैरह दिखाना, लाइक भी लाजमी करना है दोस्तों, दुआओं याद रखना। अल्लाह हाफिज़।